नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज का 5 दिन का टेस्ट गुरुवार को खत्म हो गया। बैराज टेस्ट में पूरी तरह से कामयाब रहा। इससे पहले बुधवार को नवनेरा बैराज ने पहली बार अपना रुद्र रूप दिखाया था। जल संसाधन विभाग ने बुधवार को पहली बार बैराज के 27 में से 17 गेट खोलकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी निकाला था। पानी छोड़े जाने से पहले नवनेरा बैराज से लेकर धौलपुर तक अलर्ट जारी कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस की स्पेशल विंग एसओजी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर मोहन पोसवाल को एसओजी से हटा दिया गया है। उनका ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। पिछले 5 साल से एसओजी में तैनात इंस्पेक्टर को कैबिनेट मंत्री करुणलाल मीना की शिकायत के बाद हटाया गया है। करुणलाल मीना पिछले 1 साल से मोहन पोसवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे थे। पिछले दिनों करुणलाल मीना एसओजी दफ्तर पहुंचे और एडीजी वीके सिंह को कुछ दस्तावेज दिए। बताया जा रहा है करुणलाल मीना ने पुलिस इंस्पेक्टर मोहन पोसवाल से जुड़े कुछ सबूत दिए थे, जिसके बाद मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा। अब मुख्यालय ने एक्शन लिया और पोसवाल को एसओजी से हटा दिया। अब राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में भी सेंट्रल कोटा सिस्टम लागू हो जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इसके तहत राजस्थान के नागौर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 11 कॉलेज शामिल किए गए हैं। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज को सेंट्रल कोटा आवंटन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। मदन राठौड़ बोले कि सदन में विपक्ष के नेता विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमली करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये घोर निंदनीय और गलत है। भारत का नागरिक विदेश में जाकर ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। देश का एक राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसा कार्य नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी की भाषा खालिस्तानी समर्थकों की भाषा जैसी लग रही है। मानसून की बारिश ने इस बार धौलपुर जिले में भारी तबाही मचाई है। पिछले 40 घंटे से जिले में लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। खेत खलियान, झरना, ताल, पोखर, बांध सभी लबालब भर चुके हैं। धौलपुर शहर के करीब 40 कॉलोनियां तालाब के रूप में तब्दील हो गई। ग्रामीण इलाकों में खरीफ बाजार, दलहन, तिलहन, गवार, ज्वार, मक्का आदि सब जलभराव की वजह से बर्बाद होने लगे। भारतीय वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रडार आदि क्षेत्र में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए बयान से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी की ओर से भारत में सिखों को धार्मिक आजादी नहीं होने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी के सिख नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी दे रहे हैं। जाने माने कम्युनिस्ट नेता और मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बता दूं, सीताराम को पिछले कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत थी। उन्हें निमोनिया का इलाज के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुजरात के बाद कर्नाटक में बवाल की स्थिति देखने को मिली। गणेश विसर्जन के दौरान कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। वाहनों में भी आग लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले कथित रूप से गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके गए, उसके बाद तनाव बढ़ गया और ये टकराव की स्थिति बन गई। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोले, यदि लोकसभा चुनाव में हम 20 सीटें और जीत जाते तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। खड़गे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए बोले, ये लोग ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन गठबंधन वाले डरते नहीं। ये सरकार तो टूटी फूटी है। इसका एक पेड़ नीतीश कुमार ने दिया तो दूसरा पेड़ टीडीपी ने। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।